तभी श्रेष्ठा ने उसके गालों पे हाथ रख के उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसे किस करने लगी। पर्पल लव प्रेजेंट्स कहानी आई नीड यू। ये कहानी है रुखसार और श्रेया की। रुखसार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। रुखसार की खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसे जो लड़का देख लेता वो उसकी खूबसूरती में अपने सपने सजाने लगता। उसकी काली काली आंखें किसी का भी कत्ल कर दे। कुछ ऐसा रूप था रुखसार का। पर रुखसार का बिहेवियर तीखी मिर्ची से कम नहीं था। उसे सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट था। रुखसार नहीं चाहती थी कि कोई लड़का उसका बॉयफ्रेंड बने या फिर वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़े। पर रुखसार इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ ऐसी घटना घटने वाली है जिसमें वो एक लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से प्यार कर बैठेगी। चलिए जानते हैं कि कैसे रुखसार को एक लड़की से प्यार हो गया। रुखसार को अपने मूड से जीना अच्छा लगता था। अपने फ्रेंड्स में इस बात को लेकर वो काफी पॉपुलर भी थी। एक दिन रुखसार स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। बहुत इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई। रुखसार परेशान होने लगी। उसे लगने लगा आज तो स्कूल मिस हो जाएगा, उसकी कितनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसने एक आदमी को कहते सुना कि बस का टायर खराब हो गया है और दूसरी बस आने में अभी टाइम है। इतना सुन के वो और भी परेशान होने लगी। तभी उसने देखा कि सामने से एक खाली ऑटो आ रहा है। उसने ऑटो को रोका और बोला, एमएलके हाई स्कूल चलेंगे? ऑटो वाले ने बैठने का इशारा किया। जैसे ही ऑटो चलने को हुई तभी पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए आई और बोली, प्लीज मुझे भी ड्रॉप कर दीजिए। ड्राइवर ने कहा, बेटा ऑटो तो बुक हो चुकी है। उस लड़की ने रुखसार से कहा, प्लीज क्या आप मुझे भी लिफ्ट दे देंगी? मैं स्कूल के लिए काफी लेट हो गई हूँ। काफी देर से बस का वेट कर रही थी लेकिन वो आए ही नहीं। रुखसार उसके यूनिफॉर्म देख के समझ गई थी कि वो SST की स्टूडेंट है जो कि उसके स्कूल के बाद वाला स्कूल है, और लेट तो वो भी हो रही थी। इसलिए उसने जल्दी से बैठने का इशारा किया और ऑटो चल दी। रुखसार ने उस लड़की से पूछा, तुम SST की स्टूडेंट हो ना? क्या तुम श्रेया को जानती हो? उस लड़की ने कहा, हाँ मैं उसी स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन आप श्रेया को कैसे जानती हैं? रुखसार ने जवाब दिया, पर्सनली तो मैं उसे नहीं जानती, लेकिन हाँ उसका नाम काफी सुना है, और ये भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पक्का वो घमंडी और नकचुड़ी लड़की होगी। हर बार उसने क्विज कॉम्पिटिशन जीता है, आगे रुखसार ने कॉन्फिडेंट होके कहा, लेकिन इस बार उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। वो लड़की रुखसार की चेहरे की तरफ देखती हुई पूछती है, और ऐसा कैसे होगा? रुखसार ने अपने भौवे उचकाते हुए कहा, इस बार का कॉम्पिटिशन MLK और SST के बीच में है और वो मेरी ओपोनेंट है, और इस बार मैं उसे हरा के रहूंगी। ये सुन वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई। रुखसार ने उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ाया और कहा, अरे मैं तो इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई, बाय द वे आई एम रुखसार। उस लड़की ने हैंडशेक करते हुए कहा, मेरा नाम श्रेय। इतना कहते कहते ही वो रुक गई और फिर बोली, श्रेष्ठा, श्रेष्ठा है मेरा नाम। थोड़ी ही देर में रुखसार का स्कूल आ गया और वो ऑटो से उतर कर श्रेष्ठा को बाय बोल के चली गई। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो फिर से दोनों की मुलाकात बस में हुई। इस बार श्रेष्ठा ने रुखसार से पूछा, अभी केमिस्ट्री में तुम्हारी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है? रुखसार रोनी सी शक्ल बना के कहने लगी, यार किस सब्जेक्ट का नाम ले लिया, नाम सुन के ही मूड ऑफ हो जाता है। रुखसार का ऐसा रिएक्शन देख के श्रेष्ठा हंसने लगी। उसे देख रुखसार ने कहा, तुम हंस रही हो? सच में कितना ही अजीब सब्जेक्ट है, समझ ही नहीं आता कुछ। मुझे तो बस मैथ्स और फिजिक्स पसंद है, आगे से श्रेष्ठा कहती है। वैसे केमिस्ट्री इतनी भी बुरी नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। रुखसार ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में? यार मुझे एक्चुअल में हेल्प की जरूरत थी, लेकिन अपने क्लासमेट्स को बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैं अपने क्लास की टॉपर हूँ। किसी से कुछ पूछने जाओ तो सब यही कहते हैं कि मुझे भी नहीं आता, लेकिन तुम मेरी केमिस्ट्री में हेल्प कर देना, बाकी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। वैसे तो श्रेष्ठा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, कहने को उसकी दोस्त में सिर्फ उसकी किताबें ही थी, लेकिन रुखसार के साथ उसे अपनापन महसूस हो रहा था। रुखसार ने आगे कहा, यार क्यों ना हम लोग ग्रुप स्टडी करें, बताओ क्या कहती हो तुम? लेकिन हमारे ग्रुप में सिर्फ दो ही लोग होंगे, एक मैं और एक तुम। श्रेष्ठा ने कभी ग्रुप स्टडी नहीं करी थी, उसे भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रुखसार ने उसकी ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर दी थी। लेकिन फिर भी
वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। श्रेष्ठा ने कहा, मैं सोच के बताती हूँ। इतना बोल के दोनों बस स्टॉप पे उतर गए और रुखसार श्रेष्ठा को बाय बोल के रोड के दूसरी तरफ चली गई। श्रेष्ठा कुछ देर उसे जाते हुए देखती रही। घर जाते वक्त श्रेष्ठा के चेहरे पे स्माइल थी। वह रुखसार के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों उसे रुखसार के साथ इतना अलग सा महसूस हो रहा था। अगले दिन वो फिर से बस स्टॉप पर रुखसार का इंतजार करने लगी। ऐसा वो करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी नजरें रुखसार को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे रुखसार नहीं दिखी तो वो बस में चढ़ी। स्कूल से वापस आते वक्त भी उसकी नजरें रुखसार को ही तलाश रही थी और इस बार उसकी तलाश पूरी भी हुई। रुखसार को देख के उसे एक सुकून सा मिला। उसकी बेचैनी मानो थम सी गई। रुखसार उसके पास आके बैठती इससे पहले ही कोई और उसके बगल में बैठ गया। रुखसार भी उसके ऑपोजिट वाली रो में उसकी एक सीट के आगे बैठ गई। श्रेष्ठा की नजरें रुखसार पर ही थी। वो चाहती थी कि रुखसार आज भी उसके पास बैठे। उसके कान रुखसार की आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे और उसकी आंखें रुखसार को करीब से देखने के लिए फिर से बेचैन हो जा रही थी। बस स्टॉप आ चुका था। रुखसार अपनी सीट से उठी और पीछे मुड़ के देखा तो श्रेष्ठा उसे ही देख रही थी। रुखसार ने उससे कहा, उतरना नहीं है तुम्हें? ये सुन श्रेष्ठा ने जल्दी से अपनी नजरें रुखसार से हटा ली और अपना बैग लेके बस से नीचे उतर गई। तभी रुखसार ने पूछा, तो फिर क्या सोचा है? श्रेष्ठा ने जवाब दिया, किस बारे में? रुखसार ने कहा, अरे ग्रुप स्टडी के बारे में। श्रेष्ठा ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन स्टडी करेंगे कहाँ? रुखसार ने जवाब दिया, या तो तुम मेरे घर आ जाओ या फिर मैं तुम्हारे घर। मेरा घर तो स्टार कोचिंग के जस्ट पीछे वाली गली में है और तुम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। वैसे श्रेष्ठा तुम्हारा घर कहाँ है? रुखसार के मुंह से श्रेष्ठा नाम सुन के उसे याद आया कि रुखसार को उसका असली नाम पता ही नहीं है। तभी वो बात को घुमाते हुए बोली, तुम्हारा घर स्टार कोचिंग के पास है? अरे हर शाम मेरी वहाँ मैथ्स की क्लास होती है, सो क्लास के बाद मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी स्टडी करने। रुखसार ने झट से कहा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर ठीक है मिलते हैं शाम को। श्रेष्ठा ने उसकी माँ से कह दिया कि उसकी अब से एक्स्ट्रा क्लास होगी इसलिए उसे घर आने में लेट हो जाएगा। उस शाम श्रेष्ठा रुखसार के घर गई। जब दोनों साथ में स्टडी करने बैठे तो रुखसार ने देखा कि श्रेष्ठा सिर्फ एक रफ कॉपी लेके आई है। रुखसार ने कहा, तुम अपने बुक्स लेके नहीं आई? श्रेष्ठा ने बात को संभालते हुए कहा, मैंने सोचा आज तुम्हारी बुक से रीड कर लेती हूँ और वैसे भी बैग काफी हैवी हो जाता है। श्रेष्ठा जानती थी कि उसने बहुत ही बेकार बहाना दिया था, इसलिए उसने रुखसार को देख एक अजीब सी स्माइल दी। रुखसार ने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, बिल्कुल कोई बात नहीं, तो मेरी बुक से स्टडी कर लेना। दोनों इस तरह रोज मिलते और स्टडी करते, यहाँ तक कि स्कूल जाते टाइम रुखसार उसका इंतजार करती और एक ही बस से जाते। यही श्रेष्ठा भी करती और वापस आते टाइम रुखसार पहले बस में देखती श्रेष्ठा है या नहीं। अगर उसे श्रेष्ठा नहीं दिखाई देती तो वो बस से उतर जाती और नेक्स्ट बस का इंतजार करती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफी गहरी होती जा रही थी। शायद दोस्ती से कुछ ज्यादा ही था और दोनों को इस बात का एहसास भी था, लेकिन इजहार किसी ने नहीं किया था। एक शाम दोनों जब स्टडी कर रहे थे तो श्रेष्ठा ने रुखसार का उतरा चेहरा देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ आज इतनी शांत क्यों हो? रुखसार ने कहा, यार आज सर ने मुझे मैथ्स क्लास में बहुत डांट लगाई, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी, सो वो चिल्लाने लगे और कहने लगे इतनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही हो तो कॉम्पिटिशन कैसे जीतोगी? श्रेष्ठा ने उसे समझाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम बस अपनी मेहनत करो, देखना तुम ही पक्का जीतोगी। रुखसार ने आगे कहा, यार मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, स्कूल वालों को बहुत ज्यादा होप है मुझसे। एक्चुअली तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल की आपस में कोई पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए मेरे प्रिंसिपल इसे कॉम्पिटिशन की तरह नहीं वॉर की तरह ले रहे हैं। और ये श्रेया, उफ मैंने इसे आज तक देखा नहीं लेकिन नाम से ही ऐसी फीलिंग्स आती है जैसे मैं इंडिया की टीम हूँ और वो पाकिस्तान की। अगर मैं हार गई तो पक्का प्रिंसिपल मुझे खा जाएंगे और मैं भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी किसी को,
दूसरे शहर में जाके किसी और ही स्कूल में एडमिशन लेना पड़ जाएगा। उफ। इतना बोल रुखसार दीवार से टेक लेके ऊपर पंखे की तरफ देखने लगती है। श्रेष्ठा रुखसार से कहती है, तुम परेशान मत हो, बस अपना 100% दो, और वैसे भी क्या पता श्रेया उतनी बुरी ना हो जितना तुम उसे समझ रही हो। तभी रुखसार सामने की तरफ होते हुए उससे कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर बार जीतने वाली लड़की में एटीट्यूड ना हो, इम्पॉसिबल। और वैसे भी मैंने सुना है उसे बस एक साल ही हुए हैं यहाँ आए हुए, पहले किसी दूसरे शहर में रहती थी, और एक साल में 5 कॉम्पिटिशन हुए और 5ों की 5ों जीत गई। घमंड तो उसमें बहुत होगा, ऐसे क्या वो तुम्हारी क्लास में है? श्रेष्ठा ने जवाब दिया, हाँ मेरी क्लास में है। रुखसार बहुत क्यूरियस होके पूछने लगी, फिर मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ, क्या वो सारा टाइम पढ़ती ही रहती है? श्रेष्ठा जवाब देती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। तभी तपाक से रुखसार बोलती है, देखा बोला था ना घमंडी है। रुखसार बिना जाने श्रेया के बारे में और भी ना जाने क्या क्या भला बुरा कहती है। श्रेष्ठा चुपचाप उसकी बात सुनती जाती है। आखिर रुखसार को कहाँ ही पता था कि श्रेष्ठा ही श्रेया है। श्रेया जानती थी कि रुखसार उसके बारे में ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि रुखसार के स्कूल वालों ने श्रेया की इमेज ऐसी ही बनाई थी उसके सामने। श्रेया उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा समझदार थी, बारीकियों को बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए रुखसार की बातों को वो दिल पे नहीं लेती थी बल्कि उसकी बात पे वो हंसती थी। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन का टाइम नजदीक आता जा रहा था वैसे वैसे दोनों भी एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे थे। श्रेया उर्फ श्रेष्ठा अपने जज्बातों से वाकिफ थी, लेकिन रुखसार इन जज्बातों को जानती तो थी लेकिन मानना नहीं चाहती थी। एक रात रुखसार ने देखा कि श्रेष्ठा उसके कमरे में आई और उसके बगल में बैठ गई। फिर धीरे से रुखसार का हाथ थामते हुए कहा, क्या मैं कुछ ट्राई कर सकती हूँ? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। श्रेष्ठा की बातें आज रुखसार की धड़कनों को बढ़ा रही थी। रुखसार ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तभी श्रेष्ठा ने उसके गालों पे हाथ रख के उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसे किस करने लगी। रुखसार को वो एहसास अच्छा लग रहा था, वो इस वक्त में रुक जाना चाहती थी। तभी रुखसार की माँ की आवाज आई, क्या उसकी माँ को सच्चाई का पता चल जाएगा? आखिर रुखसार अब क्या करेगी? वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइएगा।